नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल चटपटा करारा टी टाइम स्नैक्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पैन गैस पर रखा है और उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। और इसके साथ देखिए, मैंने 1/4 कप ही मूंग की दाल ली है धुली हुई और इसे अच्छे से धो लिया है और बिल्कुल पानी हटा के ये भी मैंने मूंगफली दाने के साथ डाल दिया है। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट हो गया है और जो गीली थी मूंग की दाल अब वो सूखने लगी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लगभग 30 सेकंड्स के लिए। और तो लगभग 1.5 मिनट के लिए देखिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें करी लीव्स जो पहले से ही ड्राई हैं। अगर आप फ्रेश करी लीव्स डाल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ही इसे डाल दीजिए और 2 मिनट के बाद इसे कर दूँगी बंद। और अब हमें इसे पीस लेना है दरदरा। तो इसे देखिए ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और लगभग 30 सेकंड्स तक पीस लिया है मैंने। और देखिए कुछ इस तरह का ये हो गया है। अब क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल लिया है और हमने जो ये मसाले पीसे हैं ये डाल देंगे। और 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें नमक। और अब हमें डालना है इसमें गरम मसाला। तो 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला और 1/4 चम्मच ही मैंने डाला है इसमें रेड चिली फ्लेक्स। इन सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे अच्छे से। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें राइस फ्ला यानी कि चावल का आटा, 1 कप मैंने वो डाल दिया है। और अब इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी यानी सेमोलिना और वो ले रही हूँ 1/4 कप। इतना ही यानी जितनी सेमोलिना ली है उतना ही मैं ले रही हूँ इसमें रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। ये 3 हमने देखे इसमें आटे मिक्स किए हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ मैं वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसमें हमें डालना है गरम पानी। ध्यान दीजिएगा, हमें गरम पानी से ही आटा गूंदना है। और पहले मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और हम आटे को गूंदते जाएंगे। तो 1/2 कप पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ और अभी मुझे थोड़े पानी की और रिक्वायरमेंट लग रही है तो मैं और 1/2 कप पानी ले रही हूँ। और हाथों की मदद से अब हम इसे गूंदेंगे, क्योंकि जब आप हाथ से मसलेंगे तो आपको एग्जैक्टली आटे का टेक्सचर पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये आटा बना के तैयार कर लिया है और मुझे लगभग 3/4 कप पानी इसमें टोटल लगा। लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो देखिए आप क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक वर्किंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर इस तरह से एक प्लास्टिक शीट फैला दी है। अगर प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस डो में से एक थोड़ी सी क्वांटिटी लेके देखिए यहाँ पर बेलन की मदद से मैं इसे रोल कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी एक थोड़ी सी थिक सी शीट बना ली है। देखिए इतनी थिकनेस है इसकी। और अब मैं इसे नाइफ से कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप मैं इसे कट कर देंगे और फिर इसकी 3 लंबी देखिए इस तरह से मैं इसकी शीट्स काटूँगी। तो सेम इसी तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और अब हम इसके ट्रायंगल्स काटेंगे। तो नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से इसके ट्रायंगल्स काट सकते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, पर इस तरह से बनाइएगा, बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे ही ट्रायंगल्स इसके काट लिए हैं। बचा हुआ जो किनारे आटा है उसे वापस से हम यूज़ करेंगे, फिर से उसको रोल कर लेंगे और दोबारा अगली शीट बनाने में हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने सारे ही ट्रायंगल्स काट लिए हैं और इन्हें अलग कर लिया है। और ये पूरे ही ट्रायंगल्स मेरे कट के तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है इसे फ्राई करने के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, लो गैस फ्लेम में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। और जब आप फ्राई करने के लिए डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और 30 सेकंड्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप इन्हें अलट पलट के फ्राई कीजिए। बिल्कुल आप देखेंगे कि धीरे 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 इनका कलर चेंज होगा और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत शानदार इसका टेक्सचर आएगा और इसमें जो मसालों का फ्लेवर है वो भी बहुत शानदार आएगा। बिल्कुल कुरकुरे करारे हमारे टी टाइम स्नैक्स देखिए कितनी जल्दी से बन के तैयार हो गए हैं। बहुत इंस्टेंट सी रेसिपी है दोस्तों, बहुत शानदार तरीका है इस तरह से स्नैक्स बनाने। मज़ेदार बात यह है कि 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और झटपट जब भी मन करे बच्चे इसे खा सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत शानदार लगते हैं। तो ये इंस्टेंट 1 महीने तक स्टोर करने वाले स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।